सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना, थैंक यू गुरुजी। इट्स अ बिग बिग ब्लेसिंग फॉर मी। इट्स नॉट वेरी इजी टू डू अ सत्संग, बट विद हिज ग्रेस एंड विद हिज इजाजत आई वुड लाइक टू शेयर माय जर्नी विद गुरुजी विद इमेंस इमेंस ब्लेसिंग्स। बहुत बहुत प्यार दिया गुरुजी ने, अभी भी दे रहे हैं। फील लकी ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम ऑलवेज प्रे टू हिम। निमाना रखें गुरु जी, अहम ना आन दें, कभी भी वो एक बस अपने चरणों से ही जोड़ के रखना। दैट शुड बी आर अरदास। टू बिगिन विद माई जर्नी, एज आंटी टोल्ड, आई एम अश्मी। वी आर स्टेइंग इन गुड़गांव एंड गुरुजी ने ही यहाँ पर भेजा था। अर्लियर वी यूज टू स्टे इन दिल्ली कैंट, और गुरुजी ने हुक्म दिया था कि चलो सारे गुड़गांव शिफ्ट हो जाओ। वी डिडंट हैव एनी आइडिया कहाँ रहना है, कैसे है, बट इट वॉज ऑल हिज हुक्म, सो वी ऑल शिफ्टेड हियर। टू बिगिन माई जर्नी, आई विल टेक यू अ लिटल बैक। माई फादर इन लॉ, ही वॉज ही इज नो मोर विद अस नाउ। ही पास्ड अवे 3 years बैक, and he was Brigadier P.P. Seni. He was, being in army also, he was always in search of a guru. Papa ko hamesha ye rehta tha ki I want a Puran guru. Mujhe, matlab, jaise mummy batati hai ki every now and then he used to visit ki hum aaj koi bhai ji ya koi baba ji ko mil lete hain. And he was in search. In 1995, General Ahuja aunty in Chandigarh, she told him about Guruji. I'm sorry, I'm not very clear about this thing because I was not married at that time. I'm just sharing his journey through which we all got connected. So she told somehow about Guruji in Jalandhar. And in 1995, Papa went to Jalandhar Mandir in Defence Colony. And छोटा गेट है वहां पर एक। द मोमेंट पापा स्टूड गेट, द गेट वॉज क्लोज एंड अ जेंटलमैन वॉज स्टैंडिंग देयर। सो पापा आस्क्ड हिम कि ये इज दिस लाइक गुरुजीज प्लेस, एंड थैंकफुली ही हैड ऑल दैट स्पिरिचुअल एंड ही न्यू ऑल दैट नॉर्म्स अनलाइक मी। उनको मालूम था कि कैसे, हाउ टू बिहेव, व्हाट वाज द प्रोटोकॉल। So he asked very gently कि यहाँ ये गुरुजी का स्थान है क्या? तो the gentleman replied yes. तो he told कि आप अंदर जाके बैठ जाइए, he will be here. वो आ जाएंगे वहां पर। So पापा asked him कि अच्छा मैं जूते कितने लावा? तो he उन्होंने थोड़ा सा आगे की तरफ इशारा कर दिया कि उत्थे ला दो अपने जूते। एंड पापा ने अपने निकाले शूज एंड ही सैट इनसाइड। और थोड़ी देर के बाद ही सैट, जैसे वो बैठे वहां पर जलंधर मंदिर में, सो ही सॉ द सेम जेंटलमैन कमिंग इन पैंट एंड शर्ट एंड ही केम एंड सैट ऑन द सिंहासन। एंड पापा वाज लिटिल दिस थिंग कंफ्यूज्ड कि ये तो वही हैं जो बाहर खड़े थे, एंड मतलब ऐसे कैसे, मतलब obviously hum maximum of we expect a guru to be in saffron robes and all that stuff, so same was his halat. And fir baad mein jab whenever my father in law used to share this satsang, believe me, matlab wo itna aise ho jate the na, he said dekho maine jab first guruji se jo sentence bhi pucha, wo bhi yahi pucha ki guruji jute kithe lawa. And so sweet of him, so sweet of this lord maharaj. Aap dekho कितना, कितने हम्बल, कितने स्वीट, कितने प्यार से हमेशा उन्होंने हर चीज को लिया, और यही हमें भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, विच आई डोंट थिंक सो वी लर्न, और आई डोंट नो विद ऑल हिज ग्रेस। सो देन आफ्टर अ फ्यू मे बी मंथ्स और गुरुजी शिफ्टेड टू चंडीगढ़। वहां पर आई थिंक सम कुछ सेक्टर 2 पंचकुला में ही यूज टू स्टे, मतलब वहां पर किसी के घर में, आहूजा आंटी के घर में ही यूज टू थे। तो पापा एंड मम्मी का वहां पर जाना स्टार्ट हो गया, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टेड बिलीविंग इन ऑल द थिंग्स।
कैसे कैसे वो इस डिफरेंट सत्संगों में भी माई मदर इन लॉ विल बी शेयरिंग हर पार्ट बिकॉज मे बी आई आई विल नॉट बी डूइंग जस्टिस टू दैट पार्ट क्योंकि मैंने वो सिर्फ सुना सुनाया है मैंने देखा नहीं है. माई हजबेंड वॉज डूइंग हिज ग्रेजुएशन BDS इन मुंबई दैट टाइम एंड ही यूज टू विजिट ऑन एंड ऑफ टू हिज पेरेंट्स इन चंडीगढ़. एंड जैसे हमारा होता है कि पेरेंट्स हैं तो कहीं जा रहे हैं तो चलो हम भी चलते हैं जस्ट ऐसे ही देखने के ना नॉट मतलब ट्राइंग एंड टेस्टिंग नहीं जस्ट लेट अस सी. तो ही यूज टू विजिट 95 96 सितंबर में ही स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी जब भी मुंबई से आना यहाँ पर. सो ही वॉज देयर टू गुरुजीज प्लेस. अगेन दैट वॉज हिज पार्ट ऑफ सत्संग कि गुरुजी ने कैसे कैसे उनको कनेक्ट किया क्या मिराकल्स दिखे. दैट इज हिज जर्नी. आई कम बैक नाउ टू अराउंड 2001 व्हेन माई ब्रदर इन लॉ ही गॉट मैरिड इन दिल्ली. एंड उनका जब रिसेप्शन था तो गुरु जी केम देयर. एंड जब मेरे हस्बैंड जो हैं वो गुरु जी को सी ऑफ करने के लिए गाड़ी में गए द मोमेंट ही वॉज क्लोजिंग डाउन हिज डोर तो गुरु जी टो इट वॉज अ लव मैरिज फॉर माई ब्रदर इन लॉ. दे न्यू बोथ ऑफ देम अ वेरी स्वीट कपल दे न्यू ईच अदर फ्रॉम लॉन्ग. तो जैसे ही मेरे हस्बैंड दरवाजा बंद करने लगे गाड़ी का सो गुरुजी सेड तू ना इंज करी ब्याह एंड समहाउ ही वांटेड टू टेल कि तेरा ब्याह मैं करांगा. सो ही वाज लाइक हाँ जी गुरुजी. ही वाज वेरी हैप्पी. उनके जो कजन्स हैं वो भी सब मजाक करना शुरू हो गए कि हाँ आपके लिए तो गुरुजी ही ढूंढेंगे. सो नाउ ही गेव एन इंडिकेशन और यहाँ से माई जर्नी स्टार्टेड. लवेबल जर्नी ब्लेस्ड जर्नी स्टिल कंटिन्यूइंग. बहुत 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 अच्छी है संगत जी. मतलब दिल से मैं बोलूंगी इतना इतना प्यार कोई किसी को नहीं दे सकता जो ये महाराज ये परम पिता परमात्मा देते हैं. बहुत प्यार देते हैं बहुत प्यार देते हैं. सो आई डिड माई ग्रेजुएशन अगेन BDS फ्रॉम बेलगाम कर्नाटका. आई केम बैक टू माई पेरेंट्स प्लेस. माई होम टाउन इज जम्मू. एंड मे माई फादर स्टार्टेड लुकिंग फॉर एन अलायंस. और इस ड्यूरेशन में यहाँ पर मेट्रीमोनियल में माई मेरे हस्बैंड का जो था देर वॉज एन एड इन अ न्यूज पेपर. समहाउ माई फादर क्लिक्ड इट एंड उन्होंने दे स्टार्टेड चैटिंग. यहाँ पर सबसे बात होना शुरू हो गई कि मतलब मैरिज का कैसे करना है कहने. एंड एट द सेम टाइम जहाँ पर हमारा वहां पर बातचीत चल रही है और यहाँ पर गुरु जी इज सेंडिंग सजल माई हस्बैंड टू वेरियस कहीं कहीं पर बोल रहे हैं कि आप यहाँ लड़की देखने जाइए या जैसे भी मतलब नॉट एवरी टाइम ऐसा नहीं है. वी ऑल नो व्हेन ही वाज इन फिजिकल फॉर्म इट वाज नॉट वेरी इजी. आज तो हम बहुत अच्छे से आई एम नरेटिंग दीज थिंग्स वेरी इजिली बहुत अच्छे से. बट उस टाइम पे आई डोंट नो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक डर डर कह लो. आई डोंट नो व्हाट वर्ड शुड आई यूज बट देयर वाज समथिंग कि इट वाज नॉट वेरी एक्सेसिबल. इट वाज नॉट वेरी इजी टू टॉक टू हिम स्पेशली फॉर मी. मैंने तो शायद मतलब कभी जितना गुरुजी ने पूछा उतना ही बताया. कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मतलब जाके एंड आई दिस थिंग नहीं हो पाया. सो गुरुजी यूज टू टेल कि जैसे मम्मी ने पूछा कि गुरुजी एक हिमाचल से रिश्ता आया सो शुड ही गो शी इज अ डेंटिस्ट अगेन. तो गुरुजी ने बोला हाँ हाँ जाओ जाओ देख के आओ. सो माई हस्बैंड वेंट एंड बोथ ऑफ देम द गर्ल एंड द बॉय दे चैटेड ओवर वाइल्ड एंड समहाउ उनका कुछ आपस में दिस मतलब ये नहीं हुआ. शी वॉज इन टू गवर्नमेंट जॉब. माई हस्बैंड वॉज इन टू गवर्नमेंट जॉब. गुरुजी ने बोला था माई हस्बैंड सजल वॉन्टेड टू ज्वाइन आर्मी बट गुरुजी ने मना कर दिया कि नहीं तू मतलब गुरुजी की कृपा से कैसे हुई ही गॉट अ गवर्नमेंट जॉब. तो ही वॉज इन हरियाणा दैट गर्ल वॉज इन हिमाचल. सो शी वॉज नॉट विलिंग. समहाउ कुछ डिफरेंसेस थे बट अगेन ठीक है देखा जाएगा जो होएगा. ही केम बैक टू एम्पायर स्टेट. सो गुरुजी आस्क्ड हिम देखा है फिर पूरी. तो सजल सेड हाँ जी गुरुजी. कैन दे मम्मी वाज आल्सो माय मदर इन लॉ वाज आल्सो विद हिम ओनली. तो ही सेड कि फैमिली का पता कर लो. सो दिस वाज सम काइंड ऑफ एन इंडिकेशन फॉर देम कि आई डोंट नो कि क्या करना है. एंड सी जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हम सत्संग शेयर करते हैं हर एक का अपना वी विल नॉट कॉल छोटा सत्संग या बड़ा सत्संग. हर एक का अपना एक जर्नी का पार्ट होता है. कई
people, they have, जैसे हस्बैंड का भी था, ही हैड एन एक्सीडेंट एंड मिरेकल्स हैपेंड, एंड कई दी सत्संग आर वेरी सटल सत्संग जो कि आपको कुछ टाइम के बाद समझ आते हैं. जैसे गुरु जी बोलते थे ना, मैं कड़ियां जोड़ता हाँ, मैं प्रैक्टिकल गुरु हाँ, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता, बट एवरी टाइम यू नेवर यूज टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. तो वो धीरे धीरे जब देन यू मूव फॉरवर्ड, देन यू रियलाइज कि अच्छा ये ऐसा हुआ था, व्हेन यू जॉइन द डॉट्स देन यू रियलाइज अच्छा ये, देन इट मेक्स अ सत्संग. एंड देन गुरु जी ओनली टेल्स यू कब कैसे कहाँ नरेट करना है. दैट्स माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. सो गुरु जी टोल्ड कि आप फैमिली का पता कर लो. एंड यू नो आफ्टर माई मैरिज एंड मेनी मेनी ईयर्स आफ्टर दे समबडी जिन्होंने करवाई, मतलब जिन्होंने करवाना था वो सब रिश्ता, सो दे टोल्ड कि उनका जो फैमिली का बहुत बड़ा एक डिस्प्यूट था एंड दे वर इन टू सम काइंड ऑफ ड्रग माफिया एंड वट एवर. गुरु जी नेवर टोल्ड दीज थिंग्स. ऐसा नहीं था कि ही यूज टू प्रिडिक्ट थिंग्स, वी ऑल नो. So these were very subtle things he used to hint. जैसे बोलते थे गुरुजी, बोलते थे कि मैं महापुरुष सिर्फ तीन बार बोलते हैं, जो समझ गया वो समझ गया, although बुद्धि भी वही देते हैं समझने के लिए. So then my part was there and जब मेरे यहाँ पर बात चल रही थी, I was just overlooking the things because somehow I was not much interested, honestly speaking. मतलब ऐसा नहीं not for him, but otherwise also I was like कि ठीक है, देखा जाएगा जो होगा. And यहाँ पर माई सिस्टर इन लॉ, माई कजन सिस्टर इन लॉ मंजरी, शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द थिंग्स. तो दे वर ऑल टॉकिंग, सजल की बुआ फ्रॉम जलंधर एंड ऑल, दे वर ऑल सेइंग कि देखेंगे हमने बात की है, बट अगर उनके गुरु जी मानेंगे सो इफ ही सेज येस देन ओनली विल प्रोसीड ऑन विद द नेक्स्ट. सो आई जस्ट ओवर हर्ड दिस कॉन्वर्सेशन ऑन फोन. तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे आया, not for Guruji but for the family, was like ki kya yaar ye log sab doctors hai. My brother-in-law is a doctor, my father was a doctor in army, Sajal again. So I said kya yaar itne padhe likhe aur itne doctor hone ke baad bhi ye guruon ke chakron mein ghoomte hain. This was my first ever thought which came into my mind. Never thought ki matlab main itna bhi kabhi kaise soch sakti hu. So then यहाँ पर ये हुआ कि my photograph was lying in my mother-in-law's purse and मम्मी ने जब मत्था टेका, जब हिमाचल वाला पार्ट ओवर हो गया, बीच में छोटा छोटा छोटा, I'll not go to all the details, and my photograph was lying in my mother-in-law's purse. And one day what she told me, because obviously I was not here, तो गुरुजी ने मम्मी ने जब मत्था टेका तो गुरुजी abruptly out of a blue moon he said, आंटी जेडी फोटो तेरे पर्स च पई है उन्हों अपनी बेटी बनावांगे. This is the exact words what my mother-in-law narrated me. And all thanks to Guruji, all thanks to my in-laws, who they are a medium for me. Jinhone mujhe, they gave me the entry to this wonderful world of blessings, blissfulness, beautiful world. And बस हाँ हो गई, because my in-laws and they were to like ki बस गुरुजी ने जहाँ बोला वहीं पर होना है. And sab planning start ho gaya, and it was around somewhere in October or November ki baat hai, September, I don't remember. This was 2002, and our marriage was fixed for 2003 April. That is maybe for today for you 20th of April. Iska bhi ek satsang hai. I'll just thoda sa divert hoke jaungi. I spoke to Alka aunty yesterday. And she only recalled, मुझे भूल गया था बिल्कुल भी, कि I shared my satsang on this platform 2 years back on 20th of April only. And on the same day there was a video viral of my wedding जो हमारा था वो. And see गुरुजी का देखो कितना अच्छी blessings होती हैं. मतलब we don't realize, we say अभी तो नहीं कहते coincidence, but in a normal say, language we say it's coincidence. Some days before, an uncle called me up and he said, ki, will you be sharing a satsang? He didn't tell me ki kaun se platform pe share karna hai. I said, kyunki it is, he told me for Thursday. So Thursday in India now, today is 21st of April. So I said, okay, theek hai. Dimaag mein ye ki 20th of April is my anniversary. To chalo, theek hai. Guruji ka shukrana isi way mein kar dungi main. And yesterday I celebrated jaisa bhi tha. और रात को जब मेरी अलका आंटी से बात होती है, एंड शी सेड, आंटी डू यू रिमेम्बर दिस वाज 2 इयर्स बैक यू शेयर्ड योर सत्संग, एंड नाउ सी इट्स अगेन द सेम डे व्हिच इज फॉलोइंग आफ्टर 2 इयर्स.
एंड और मेरे को जो सबसे अच्छी चीज ये लगी कि व्हेन द लिंक केम, बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग इट इज स्टिल 20th of April देयर. सो आई वॉज लाइक वाह गुरु जी, मतलब इतना ज्यादा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता. अच्छा एनी कमिंग बैक टू माई पॉइंट. सो देन गुरु जी टोल्ड माई हजबेंड, आर मैरिज वॉज फिक्स फॉर 20th of April एंड गुरु जी देन टोल्ड माई हजबेंड कि उन्होंने लेके आ. एंड एवरी टाइम ही यूज टू टेल माई हजबेंड तू नसाके लेके, नसाके मीन्स भगा के लेके आया जम्मू से लड़की को. सो एवरी टाइम जब भी मथा टेकना ही यूज टू से तू नसाके लेके आया फिर जम्मू की कुड़ी दू, तू फसा लेता जम्मू की कुड़ी दू. सो ही टोल्ड गुरु जी टोल्ड माई हजबेंड कि आप उसको लेके आइए यहाँ पर एक बार. एंड थोड़ा सा हमने अपना मैनिपुलेशन, ह्यूमन बींग्स हैं कितना कम हो सकते हैं. सो ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड वी कोचिंग पीरियड वॉज वेरी स्मॉल, वी डिडंट न्यू, दोनों को हमें कुछ ज्यादा नहीं पता था एक दूसरे के बारे में. सो ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड कि ऐसे ऐसे हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने आपको बुलाया तो लेट्स प्लान फॉर 14th of February ओनली, वैलेंटाइन डे भी हो जाएगा, गुरु जी से भी मिल लेंगे. आई सेड गुड इनफ, और पेरेंट्स को भी बोलना ठीक था कि हाँ जी मैं ये नहीं बोल रही कि मैं वैलेंटाइन डे के लिए जा रही हूँ, आई एम गोइंग फॉर टू मीट गुरु जी, गुरु जी ने बुलाया. सो वी केम ऑल द वे फ्रॉम जम्मू एंड आई टोल्ड माई मदर इन लॉ टोल्ड कि ऐसे ऐसे करके शाम को बेटा मंदिर में आना है. ठीक है, तो माई मदर इन लॉ टोल्ड, मतलब क्योंकि इट 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 एम्पायर स्टेट वॉज समथिंग I could at least relate to that particular place because मेरी beginning मेरी वहाँ से, तो I have not many people they have सारा attachment वहाँ से. So for me the beginning was there, it was beautiful beautiful. I entered mandir and honestly speaking मेरे को कुछ याद नहीं है कि गुरुजी से क्या बात हुई, but I still remember his smile, his face. And again to be very honest, I am not a very spiritual kind of a person, तो मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे गुरुओं का करते हैं, या आई कुड फील दैट ही इज गॉड सिटिंग नेक्स्ट टू मी, नहीं कुछ नहीं था, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल ऑरा, बहुत अच्छा लगा. एंड वी केम बैक, दैट्स इट, नथिंग इज, और कुछ नहीं है. हाँ, नाउ लुकिंग बैक टू सो मेनी इयर्स, नाउ आई रियलाइज हाउ ब्लेस्ड आई एम, आई वॉज, नाउ आई रियली आई फील प्राउड ऑफ दैट. सो देन माई जर्नी बिगेन, उसके बाद द मैरिज का हुआ. तो गुरुजी ने माय पेरेंट्स वेंट वहां पर और उन्होंने अपना, बिकॉज वी वर सपोज टू गिव फर्स्ट शादी का कार्ड टू गुरुजी ओनली, गुरुजी ने लिखा उस पे एंड देन ही इनवाइटेड मेनी ऑफ द संगत जैसे वो करते थे. तो अभी भी उनके वो कुछ कुछ कार्ड्स हैं थोड़े से जिनमें उनकी हैंड राइटिंग्स है. सो देन इट वॉज प्लान्ड दैट गुरुजी इज गोइंग टू कम फॉर द वेडिंग, ऑल्दो वो तो जान ही जाना है लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं होता. सो वी वर लाइक कि चलो ठीक है वट एवर. सो केम द डे ऑफ 20th April, वी केम टू डेली. सबसे पहला मुझे जो था कि आई नेवर वॉन्टेड टू कम टू डेली फॉर मैरिज बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन जम्मू, मेरी फ्रेंड सारी वहाँ पर थी. सो आई वॉज लिटिल हेजिटेंट कि, और थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी था कि क्यों यार क्यों हम, बट नाउ आई रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट इट वॉज दैट गुरु जी वॉज देयर इन आर वेडिंग टू ब्लेस अस. So, 20th of April, the Barat was supposed to come, I don't remember, 8-9 बजे जो भी आना था, and Guruji left his entire estate. बाद में पता चला था कि जैसे the old Sangat, Menaka Gandhi aunty was there, but she was not supposed to come inside. I don't know how true this is what we heard from the Sangat after many years. So, she was not supposed to come inside, she sat in the car only, and Guruji और जब भी बारात आई, सो माई इन लॉज आस्क्ड माई पेरेंट्स कि हमने आपको बोला था हमारे गुरुजी आएंगे, सो आपने उनके लिए कुछ तैयारी की है? सो माई पेरेंट्स अगेन दे डोंट हैव एनी आइडिया कैसे प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए गुरुजी का. सो व्हाट दे डिड वाज उन्होंने एक टेंट हाउस की चेयर लेके एंड उसमें हार टांग दिया गया था टू वेलकम गुरुजी. सो माई इन लॉज केम एंड दे वर लाइक नो 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 ऐसा नहीं होता, हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है. So it has to be with very pomp and show and all that. So abhi kuch samajh mein nahi aaya because Guruji had already left the Empire State and he was on his way to from Chhatarpur because wahan par farmhouse mein shaadi hui thi. So abhi jaldi mein kya karein? So what they did was jahan par bedi hoti hai, jahan par shaadi hoti hai, havan kund hota hai, to wahan pe they removed the havan kund and wahan par Guruji ka singhasan lagaya gaya. So Guruji sat for a while, jitna bhi tha, ek do ghante, I don't know the timings exactly.
एंड वो वीडियो भी है, एंड इफ आई सी द होल वीडियो ऑफ माय मैरिज तो उसमें मैक्सिमम 70-80% आई सी ऑल द ओल्ड संगत फेसेस जिनको ऑब्वियसली गुरुजी ने इनवाइट किया होगा, एंड इधर उधर एक दो थोड़ा थोड़ा से हार्डली 10-15% आर रिलेटिव्स आर देयर. So now I feel so blessed to see and recall all those moments. अच्छा ये वो आंटी, अच्छा ये वो अंकल है, उस टाइम पे तो कुछ नहीं पता था. And see how beautiful it was कि उसी जगह पे फिर हवन कुंड वापस हुआ. We had our feras and मतलब this is such a blessed thing, you know. गुरुजी कैसे कैसे सबका कल्याण करते हैं, he only knows किसका कैसे करना है. So it's a wonderful thing. Then again the things started going on smoothly. Nahi shaadi hui bhi kahin nahi jana. The only thing was Empire Estate. I was not still started working. Main waise ghar pe hi thi. My husband used to come from hospital aur uske baad humne the only thing was Empire Estate. Shaam ko Empire Estate and sorry I don't know but us time pe jo dimag mein aata tha वो यही था लंगर प्रसाद इज वेरी टेस्टी. सो एंड दूसरा नहीं बनाने का वाज नॉट अ बिग डील बट हाँ लंगर प्रसाद इज वेरी टेस्टी. सो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शन फॉर अस. नाउ जैसे जैसे हम सत्संग सुनते हैं सो वी रियलाइज कि कैसे गुरुजी कैसे कल्याण करते थे, कैसे करते थे. उस टाइम पे कुछ नहीं था ना, इतना गुरुजी ने कभी दिमाग दिया, खैर आज भी नहीं है. सो वी स्टार्टेड गोइंग देयर एवरी नाउ एंड देन. जब कहते हैं ना वो मुंह उठाया और चल पड़े, कुछ सोचना नहीं. एंड वी वर स्टेइंग इन आरआर हॉस्पिटल दैट टाइम बिकॉज़ माय फादर इन लॉ वाज पोस्टेड एज अ ब्रिगेडियर देयर. एंड थोड़ा सा आई स्टिल जैसे जैसे सॉरी संगत जी जो गुरुजी थॉट डालते जाएंगे ना मैं वही वही सुनाती जाऊंगी. आई थिंक मैं बीच में थोड़ा हे वायर भी हो जाऊंगी बट प्लीज बेयर विद मी. ही इज द वन ड्राइविंग फोर्स जो मुझे करवाएंगे यार. I forgot to tell ki jab when father in law was posted in Chandi Mandir in 95-96 jab Guruji Chandigarh mein rehte the, so he very frequently used to visit his hospital jo papa ka office tha wahan par he used to come. So ek din I don't know ki kya problem tha to my father in law told Guruji sade hospital che ek nayi laser therapy aayi hai. And Guruji was very happy to know ki kya kya nye treatments aaye hain and kya kya. So he said, "Ha ha, chalo fir dekhte hain to adi laser therapy." And Papa took Guruji and wahan gaye apna Chandi Mandir Hospital jo hai. And wahan par jo bhi sara 2-3-4 din jo bhi hua, so Guruji kehne bas phone nahi. My father-in-law to nahi Guruji to pura to karna padega aapko. So he said. तेनु की लगता है मैं इत्थे अपना ट्रीटमेंट करन आया हूं, मैं ते लोगों नु ब्लेस करन आया हूं, मैं ते इधर हॉस्पिटल नु ब्लेस करन आया हूं. पता नहीं कितने पेशेंट्स किसको क्या ब्लेसिंग्स थी. एंड वन डे जैसे वी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो गुरुजी हैड शुगर डायबिटीज. एंड कुछ दिन पहले ही वन ऑफ माय फ्रेंड्स आउट ऑफ लाइक हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. She asked me one day कि अश्मी मेरे दिमाग में एक बार ये आता है कि he is Lord, गुरुजी तो भगवान है, वो तो एक human form physical लेके आया से. Then how did he had sugar या diabetes? Then उनको इतनी problems क्यों होती थी? Because this तो I have even मैंने भी personally experience किया कि गुरुजी had lots and lots of problems. But तब ये नहीं पता था कि he used to take, वो बोलते थे बेचारे कि हर एक को बोलते थे, पापा को भी बोलते थे डॉक्टर साहब मैनू ठीक करो, डॉक्टर साहब मैनू ठीक करो. मेनी ऑफ द ओल्ड संगत दे माइट बी हैविंग द सेम एक्सपीरियंस, मैनू ए हो रहा है, काली पै रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है. सो दिस वॉज हिज वे ऑफ टेकिंग. बट यू नो दिस डायबिटीज एंड शुगर आई थिंक ही टोल्ड सम टाइम कि बिकॉज जो एक कर्म थ्योरी होती है सो दैट द फिजिकल बॉडी जो कैरी करती है वो व्हेन ही एंटर्ड दैट बॉडी सो ही हैड टू गो अलोंग विद दैट. दिस इज सृष्टि का नियम, ही कुडंट बाईपास दैट नियम. ऑल्दो ही वाज लॉर्ड हिमसेल्फ, ही ये भगवान का रूप है, लेकिन वो आए तो एक फिजिकल फॉर्म में ही थे. जैसे गुरुजी बोलते थे कि अगर मैं आपके अंदर आपके समान बन के ही आया, दैट वॉज द रीजन कि हम उनको समझ नहीं पाए.
और समझ लेते तो हमारी इतनी बुद्धि ही नहीं थी, इतना उन्होंने हमें वो दिया ही नहीं समझने की बुद्धि. वो तो अब नाउ वी रियलाइज की हाउ मैग्निफिसेंट ही इज. तो ही पापा ने बोला, उस दिन कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर कि क्या था, तो पापा ने बोला कि गुरुजी ब्लड शुगर करवा लेते हैं. तो ही सेड चलो ठीक है. तो शुगर के लिए दे वेंट टू द लैब ऊपर, दैट वाज इन द फर्स्ट फ्लोर, एंड उन्होंने ब्लड सैंपल लिया गया गुरुजी का. एंड द जेंटलमैन जो वहाँ के एलटी थे, और आई डोंट रिमेम्बर उनका क्या रैंक था, सम नायक सूबेदार या कुछ ऐसा था. सो ही वेंट एंड बहुत टाइम लग गया. ही केम बैक, ही सेड सर सॉरी गलती हो गई, मैंने शायद मेरे सैम्पलिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है सर, मैं एक बार और सैंपल लेना चाहूंगा. सो माई फादर ना ठीक है कोई बात नहीं. तो गुरुजी तो बेचारे ही एज अ फिजिकल फॉर्म ही वॉज वेरी स्वीट, बहुत बहुत प्यारे छोटे बच्चे की तरह होते हैं ना वैसे. सो मान गए फटाफट, एंड अगेन अ सैंपल वाज टेकन. फिर से उसके बाद सेकेंड टाइम वो ही वाज टेकिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम, और उसके बाद ही केम बैक माई फादर इन लॉ, मतलब गुरुजी एंड माई फादर इन लॉ वर ऑन द फर्स्ट फ्लोर, और ये सब कुछ हो रहा, सॉरी दे वर ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड ये सब कुछ हो रहा था फर्स्ट फ्लोर पे. पापा एंड गुरुजी वर इन हिज ऑफिस, जो उनका अपना ऑफिस का स्पेस था. तो पापा ने बोला गुरुजी बहुत टाइम लग गया, मैं एक बार चेक करके आता हूँ कि क्या प्रॉब्लम, इतना टाइम तो नहीं लगता फास्टिंग और पीपी में करने में. सो गुरुजी ने आगे जो भी बोला होगा, पापा वेंट आउट, वहां पर गए एंड ही सेड कि भाई इतना टाइम कैसे लग गया तेरे को. तो ही सेड सर आप मुझे तो माफ कर दो, ये जो भी है मुझे नहीं पता ये कौन है आपके गुरुजी, बट ये इस दुनिया के नहीं है. आई रेज माई हैंड्स कंप्लीटली, ये यहाँ के नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी की ब्लड शुगर 4, 6, 7 आ जाए. एंड ही स्टिल स्टैंडिंग, ही इज वॉकिंग, ही इज मूविंग, ही इज टॉकिंग, दैट्स नॉट पॉसिबल. सो देयर इज सम काइंड ऑफ केमिकल ओचा, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट ही इज नॉट फ्रॉम दिस अर्थ. देखो गुरुजी ने उसको बुद्धि बख्शी बिकॉज उसका उसकी वो पात्रता थी एक्सेप्ट करने की. शायद हमारी होती तो हम नहीं करते, हम भी हमने ह्यूमन माइंड, हमने साइंस, हमने मेडिकल टेक्नोलॉजी लगानी थी कि रिएजेंट में कुछ फर्क पड़ गया, बीकर में कुछ फर्क पड़ गया, या व्हाट एवर जो भी हमारा दिमाग चलता उस टाइम पे. बट ही रियलाइज दिस थिंग एंड गुरुजी इमेंसली ब्लेस्ड दैट पर्टिकुलर पर्सन. और गुरुजी ने उसको फिजिकल फॉर्म में बोला कि जा मैं तेनू ब्लेस किया, एंड जो भी उसका रैंक था ही वॉज नेक्स्ट जो भी था ही वॉज ब्लेस्ड विद दैट पर्टिकुलर रैंक. एट द सेम टाइम सॉरी आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द जेंटलमैन, एक और ऑफिसर थे वहां पर, एंड ही केम टू पापाज ऑफिस एट द सेम टाइम ओनली. और उन्होंने बोला कि सर कुछ काम के लिए आए थे, तो पापा ने बोला ये हमारे गुरुजी हैं, तो ही मथा टेको जैसे हम करते हैं एज रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ महापुरुष. सो गुरुजी टोल्ड आस्क हिम कितने बेटे हैं, तो ही टोल्ड गुरुजी एक है. तो गुरुजी कहते जा फिर एक और देता, तो ही सर ऐसे मतलब हाथ जोड़ दिए कि मतलब नहीं चाहिए. और तो माई फादर इन लॉ अभी गुरुजी के सामने तो नहीं बोल सकते थे, तो माई फादर इन लॉ टोल्ड हिम कि मतलब इशारा किया कि नहीं नहीं मतलब गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं तो चुप रहो. सो ही वेंट ऑफ, दिस वॉज हिज ब्लेसिंग. एंड कैन यू इमेजिन माई फादर इन लॉ मेट दैट जेंटलमैन इन आर आर हॉस्पिटल समवेयर अराउंड इन 2008, 9, 10, आई डोंट रिमेम्बर, मेनी ईयर्स आफ्टर हिज गुरुजी महासमाधि. एंड ही केम रनिंग टू माई फादर इन लॉ एंड ही सेड डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कैन यू इमेजिन दिस थिंग. तो मेरे फादर इन लॉ दे बहुत प्यारी सी मुस्कुराए एंड दे सेड क्यों फिर हो गया दूसरा बेटा. तो ही सेड हाँ सर मैं आपको कब से ढूंढ रहा था बताने के लिए, एंड सर आप मानोगे नहीं मैंने ये चीज इसलिए उस टाइम पे मना की थी कि माई वाइफ हैड रिमूव्ड हर फेलोपियन ट्यूब्स, या उनको कुछ प्रॉब्लम था उसमें, एंड डॉक्टर्स ने ही हिमसेल्फ वाज अ डॉक्टर, उन डॉक्टर्स ने क्लियरली बोल दिया था कि शी कैन नॉट कंसीव नॉर्मली, नहीं कर सकती. तो इसीलिए मैंने उनको मना कर दिया था. आई थॉट कि चलो एज अ रिस्पेक्ट टू अ गुरु मैंने आगे बताया नहीं, बट कैन यू बिलीव दिस थिंग, नाउ आई एम ब्लेस्ड विद 2 सन्स. सो दिस इज हाउ आर गुरुजी ब्लेसेस. उसके बाद गुरुजीज वेज ऑफ ब्लेसिंग्स कंटिन्यूज, किसको कहाँ ब्लेस करना है. एट द सेम टाइम उसी टाइम की बात कर रही हूँ जब चंडी मंदिर में पापा वॉज पोस्टेड. सो ही हैड सम काइंड ऑफ छोटा सा थोड़ा सा जैसे हार्ट में कुछ, ही फेल्ट सम काइंड ऑफ अ मर्मर एंड ही वॉज नॉट फीलिंग, ही वॉज फीलिंग लिटिल अनइजी. एंड बींग अ डॉक्टर वो खुद ही जाके अपना ECG VCG करवाया एंड ही सॉ सम काइंड ऑफ चेंजेस इन ECG. एंड वो थोड़ा सा
घबरा से गए कि अभी पता नहीं क्या होगा, अभी तो इतनी यंग एज है और मेरे को अभी से हार्ट के इश्यूज होना शुरू हो गए हैं। सो 2-3 दिन हो गए, ही डिडंट गो टू गुरुजीज, जहाँ पर भी चंडीगढ़ में गुरुजी वॉज प्लेस्ड दैट मोमेंट पे गुरु नहीं गए। सो गुरुजी यूज टू आस्क मम्मी कि कितने है फिर, डॉक्टर कितने है, तो मम्मी ने बोल देना कि गुरुजी आ जाए नहीं। फिर एक दिन मम्मी ने बोल दिया कि गुरुजी उनको ना हार्ट का कुछ इश्यू हुआ है, सो ही इज ऑल इन टू द, तो गुरुजी कॉल्ड हिम, ही सेड कि अच्छा, उन्होंने उन्होंने कहना कि कल आए फिर। एंड जैसे ही पापा गए वहां पर द नेक्स्ट डे, गुरुजी ब्लेस्ड हिम एंड जो भी हुआ होगा, सॉरी फिर भूल गई सारा कि क्या था वो। एंड फिर उसके बाद दे वर ऑन द वे कमिंग बैक फ्रॉम मंदिर टू देयर हाउस, और रास्ते में व्हाट ही टेल्स वाज कि इट वाज अराउंड मिडनाइट के टाइम था, एंड दे हैड अ फ्लैट टायर, रास्ते में पंक्चर हो गया। एंड माय फादर इन लॉ को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे चेंज करना है टायर, मदर वाज सिटिंग देयर ओनली। तो पापा ने बोला कि आप गाड़ी में ही बैठो, एंड उस टाइम पे टाइम भी थोड़ा सा कैसा था, 96-97, वी नो दैट वाज नॉट अ वेरी, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट नहीं था उस टाइम पे। सो पापा ने बोला मम्मी को कि आप गाड़ी में ही बैठो, इसे नहीं नहीं मैं भी बाहर आती हूँ, आप चेंज करो। सो समहाउ ही मैनेज टू वो स्टेप नहीं निकाल के, ही चेंज द होल टायर, इट टुक अराउंड 1 आवर और सो एंड करके, एंड दे केम बैक होम। एंड माई फादर इन लॉ वॉज स्वेटिंग प्रोफ्यूसली, पूरा तर बतर हो गए पसीने से। एंड नेक्स्ट डे जैसे ही मत्था टेका गुरुजी को, गुरुजी सेट, फिर डॉक्टर साहब गुरुओं ने TMT करा दी थी। सो दिस अगेन आई एम सेइंग कि वो बहुत सटल वेज में बता देते थे कि देखो हमने आपको, मैंने आपको ब्लेस किया है। एंड थैंकफुली टिल 2019 ही डिडंट हैड एनी हार्ट इश्यूज, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ही वाज हेल्दी, बहुत अच्छे से ब्लिसफुल लाइफ उन्होंने अपनी जी अच्छे से। नाउ कमिंग बैक टू माई पार्ट ऑफ द सत्संग, अगेन 2004 का मैरिज के बाद माई मदर इन लॉ टोल्ड की बेटा जाके ना बड़े मंदिर हुआ, गुरु जी ऑन एंड ऑफ यूज टू टेल अस, जैसे हमने मथा टेकना मैंने और सज्जन ने, ही यूज टू आस्क गए फिर बड़े मंदिर, तो हम नहीं गुरु जी जाओ फिर होके आओ, एंड कुछ कुछ बोलना मुझे याद नहीं अभी। एंड एवरी टाइम वो अपना दिमाग लगाया, एंड हम लोगों ने वहीं से ही छोटे मंदिर से खिसक जाना वापस, कि छोड़ कौन जाएगा इतने जंगल में रात को, रहने दो, नेवर एवर, एक भी बार शायद नहीं गए। एंड वन डे माई मदर इन लॉ टोल्ड मी कि आई थिंक 2-3 मंथ, दो एक डेढ़ 2 महीना हुआ था शादी को, एंड माई मदर इन लॉ, बेटा जाओ वहां पर एंड आस्क फॉर समथिंग गुड टू गुरु जी। बोला कि मम्मी बोलती मैंने सुना है, मतलब प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, दिस इज हर एक का अपना एक नोशन रहता है। सो माय मदर इन लॉ टोल्ड कि मैंने सुना है कि वहां पर एक रंगोली एरिया है एंड पीपल सिट देयर एंड द न्यूली वेड कपल्स, दे आस्क फॉर टू द आस्क द परमिशन फ्रॉम गुरुजी टू स्टार्ट देयर फैमिली एंड ऑल। सो एज द रिस्पेक्ट टू द एल्डर स्पेशली मदर इन लॉ, सो आई सेड चलो सदु चलते हैं जाके। सो वी सैट देयर एंड आई स्टिल रिमेम्बर, बिल्कुल खाली मंदिर होता था, कोई भी नहीं था। So I said, गुरुजी, गुरुजी is sitting in empire seat and we are in बड़ा मंदिर, and we say, गुरुजी, मम्मी ने बोला है ऐसे कुछ मांगना है, अब मुझे नहीं पता क्या मांगना है, you see whatever, जो भी करना। So, बस जी वापस आ गए, that's it. And somehow फिर उसके बाद after 2 or 3 months I conceived, and अगेन वेरी ब्यूटिफुल जर्नी विद दैट। इसी ड्यूरेशन में क्या होता है, माई वन डे आई वॉज सिटिंग इन एम्पायर स्टेट, एंड जैसे कभी कभी गुरुजी खड़ा कर देते थे किसी को सत्संग शेयरिंग के लिए, और कभी कभी ऐसा होता ही यूज टू टेल कि एक छोटे ग्रुप में बैठ जाओ। सो वन लेडी शी वॉज नरेटिंग हर सत्संग, एंड गुरुजी ने इशारा किया मुझे, आई वॉज सिटिंग देयर ओनली, कि जाके सुनो कि वॉट शी इज नरेटिंग। तो आई वेंट देयर एंड छोटा सा एक ग्रुप था, अराउंड पीपल ऑफ 7 to 8 जितना, वॉट एवर आई कैन रिकॉल। तो शी वॉज नरेटिंग कि हाउ हर फेलोपियन ट्यूब्स वर ब्लॉक्ड, और कैसे उनको कंसेप्शन में प्रॉब्लम थी, और कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, एंड नाउ शी इज ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल डॉटर। आई लिसन टू इट, एंड जैसे मैं उठ के आने लगी, सो गुरुजी वाज ऑन हिज गद्दी दैट टाइम, एंड ही अगेन कॉल्ड मी एंड ही सेड, सुनिया, ही सेड यस गुरुजी, ही सेड जा फिर हूं अपने भाभी नु दस, ही सेड ओके ठीक है, बात खत्म। क्योंकि आई टोल्ड ना कि ज्यादा हिम्मत ही नहीं होती थी बात करने की, जो गुरुजी ने आज्ञा दे दी बस ठीक है खत्म। वी केम बैक होम नेक्स्ट डे, आई वेंट अगेन, तो गुरुजी ने फिर से पूछा, जैसे मैंने मत्था टेका ही सेड दस्या फिर अपनी भाभी नो, इसे नो सॉरी गुरुजी भूल गई मैं बताना, ही सेड हुणे ही दस या अपने माणू भी दसी। एंड फॉर माय मदर गुरुजी बहुत
वेरीड टर्म्स यूज करते थे इन हिज फिजिकल फॉर्म, विच माई मदर स्टिल डजंट लाइक, बट आई बी शेयरिंग. सो ही यूज टू से आगे या फिर इफ्स एंड बट्स, मास्टर नहीं. माई मदर शी डिड लॉ बट शी कुडंट कंटिन्यू विद हर प्रोफेशन बिकॉज अगेन उस टाइम पे 73 में फैमिली को और करियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था. सो एंड शी ज्वाइंड हर करियर एज अ टीचर. सो गुरुजी द फर्स्ट डे ही सेड आगे ये मास्टर नहीं, इफ्स एंड बट्स. एंड टिल नाउ माई मदर, मैं आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल बट मेरे परसेप्शन से वो डावा डोली अभी तक. एंड यू नो शी कांट सिट एंड मेडिटेट, शी कांट सिट एंड डू, इवन आई कांट डू. एंड गुरुजी सेड ना माया मेरी ना राम, एंड दैट्स वेरी ट्रू आज तक. सो दिस वॉज हिज वे ऑफ ब्लेसिंग. जैसे हम बोलते हैं कि कभी जब मूड में आते थे तो बहुत मजाक भी करते थे. सो ही सेड माणो भी दसी. I said, okay, Guruji. So मैंने उसी टाइम पे, we had a single mobile at that time, 2003 में, I went, तो I called up my भाभी. She was married, कुछ dates का थोड़ा सा इधर उधर है, कुछ अभी 2-3 महीने ही पहले शादी हुई थी. एंड शी वॉज अ वेरी आर्डेंट शिव का भक्त, बहुत ज्यादा टिल नाउ. एंड जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मत्था टेकने आए थे तो गुरु जी ने बोला था बड़ी चंगी कुड़ी है. And she's Monica. So I called her up. I said, Monica, I'm going to, Guruji ne mujhe ek diya hai assignment to narrate a satsang to you. So please listen to it. So because she knew, she had still had that all the spirituality unlike me, aur sab usko malum tha ki kaise karna hai. So she very achhe se usne sunna shuru kar diya. And I was even very comfortable telling her. So I narrated her the whole story. The Philippine tubes were blocked and this and that and whatever. अभी द सेकेंड थिंग वॉज टू टेल माई मदर. तो मैंने बोला अच्छा मम्मी को भी बुला दे, हम गुरु जी ने हुक्म तो दिया ही है. सो मम्मी आई है सबसे पहले. मम्मी गुरु जी ने मुझे बोला एक सत्संग. एंड यू नो ऑनेस्टली स्पीकिंग एट दैट टाइम वी वर ऑल्सो नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट गुरु जी. उस टाइम पे आसाराम बापू एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन. आई एम बींग वेरी ट्रू टू यू. तो किसी को बताने में भी दो बार मैं तो सोचती थी कि हाँ पता नहीं यार लोग क्या बोलेंगे, कौन से गुरुओं के चक्रों में पड़े हुए हैं. एंड स्पेशली फॉर माय मदर इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेल कि हाँ गुरुजी ने बोला सत्संग. एंड सत्संग्स और ये सब टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा आज मॉडिफाई हुए, उस टाइम पे इट वाज नॉट दैट. आई सेड गुरुजी ने ना कुछ बोला है बताने के लिए, सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट. सो प्लीज लिसन टू इट केयरफुली, आप सुन लेना, बस कुछ बोलना मत. मतलब लिटरली आई वॉज प्लीडिंग कि आप कुछ आगे से बोलना मत, सुन लेना जो भी है. सो मम्मी ने जो भी किया होगा आई डोंट रिमेम्बर. तो देन मम्मी ने आई नरेटेड द होल स्टोरी. और उसके बाद जैसे एज नाउ वी ऑल नो कि हाउ गुरुजी ब्लेसेस और कैसे उन्होंने इंडिकेशन दिया. अगेन 6-8 months नहीं, आई थिंक 1 year passed एंड माई भाभी वॉज नॉट कंसीविंग. दे वेंट टू द गायनाकोलॉजिस्ट, द सेम गायनाकोलॉजिस्ट जहाँ पर हमारा बर्थ हुआ था. तो ही टोल्ड कि वो पूरा टेस्ट वेस्ट हुआ एंड ही टोल्ड कि नहीं इनका तो जी पूरा ट्यूब्स ब्लॉक्ड है एंड शी कांट कंसीव नेचुरली, इट हैज टू बी डन विद IVF एंड ऑल. एंड सम हाउ माई भाभी शी क्लिक्ड ऑन द थिंग कि मुझे गुरुजी ने पहले इंडिकेशन दे दिया था. सो ही इज देयर टू ब्लेस अस एंड सी द ब्यूटिफुल टाइमिंग्स ऑफ गुरुजी. उन्होंने एट द सेम टाइम ही इज टेलिंग मी कि बुला आपने भाई और भाभी को यहाँ पर. तो मैंने बोला हाँ जी. फिर गुरुजी फिर अब वो यहाँ पर आए, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया एंड देन दे वर ब्लेस्ड विद अ डॉटर और उसका नाम फिर वृंदा रखा गया. नाउ तो शी इज इन ग्रेड 11th, बिग गर्ल नाउ. और जैसे ही जब नाम की बारी भी आई तो फिर माई फादर इन लॉ आस्क्ड गुरुजी की ना रखना है. सो माई फादर सॉरी गुरुजी सेड डॉक्टर साहब वृंदा. सो माई फादर इन लॉ की गुरु जी वृंदा और वृंदा बिकॉज टू नेम्स आर सिनोनिमस. सो ही सेड गुरु जी वॉज वेरी लाउड एंड क्लियर विद अ हैप्पी फेस. ही सेड डॉक्टर साहब बी फॉर बॉम्बे. सो दैट वॉज वृंदा. सो दिस इज हाउ ही ब्लेसेस एवरीबडी. और उसके बाद कमिंग बैक टू माई प्रेगनेंसी एंड दैट वॉज द गोल्डन फेज ऑफ माई लाइफ. बहुत अच्छा टाइम निकाला मैंने गुरु जी के साथ. औकात बिल्कुल उस टाइम पे भी नहीं थी, आज भी नहीं है, बट स्टिल ऑल थैंक्स टू हिम. इतना अच्छा चरणों में लगा के रखा हुआ है. और
मतलब ऑलमोस्ट डेली जाना आना वहां पर, एंड लंगर प्रसाद खाना. ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आई बीच में, छोटा मोटा एवरीथिंग वाज देयर. फूड पॉइजनिंग हो गई कभी कुछ चलता रहता था. एंड रात को जैसे लंगर प्रसाद खाना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैव. ऑब्वियसली थोड़ा 6 7 मंथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था. एंड ही यूज टू, जैसे हमने देखा है, इतना लंगर प्रसाद, इतना लंगर प्रसाद, इतनी मिठाई. एंड आई वाज समहाउ अवर्स टू स्वीट्स एंड ऑल. इतनी सारी टॉफीज, और जब लोहड़ी आनी तो इतनी सारी गच्चक और रेवड़ियां और भर भर के. एंड लिटरली मुझे अब बाकी नहीं सब कुछ याद है, बट आई स्टिल रिमेम्बर कि बाहर वाटर कूलर होता था एंड आई यूज टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर. आई यूज टू सिट देयर, एक कुछ खाना उसके बाद पानी पीना, एक खाना फिर पानी पीना. एंड लगता था बस अब मैं यहीं पर वॉमिट कर दूंगी और आई कांट हैव ऑल दिस. इतना लंगर प्रसाद खत्म हुआ, उसके बाद ऑर्डर हो गया जी अभी कुछ पकौड़े बनाए जाएं. फिर गुरुजी वॉक के बाद आ रहे हैं तो जी आंटी हलवा प्रसाद बना रही हैं, चाय प्रसाद का तो कोई इट्स काउंटलेस 8 9 बार हो रहा है. एंड वन प्रेग्नेंट लेडी सिटिंग स्क्वाटिंग शाम के 6 बजे से रात के 12 1 बज रहे हैं. नाउ नाउ आई एम सरप्राइज ऑल्सो कि कैसे बैठ जाती थी इतना इतना टाइम. अभी तो आधा घंटा नहीं बैठा जाता है. नाउ तब तो इतना इतना टाइम बैठे, खाते जाना खाते, कोई एसिडिटी नहीं, कुछ नहीं, नथिंग वॉज देयर. दिस वॉज ऑल हिज ब्लेसिंग्स. फिर रात को बहुत बार ही यूज टू से अश्विनी नु फिर लक्ष्मी का दूध पिलाओ. लक्ष्मी वॉज गुरु जी की भैंस जो जलंधर से स्पेशली आई थी. एंड आई यूज टू हैव दैट ग्लास ऑफ मिल्क. गुरु जी की सब कृपा रही उस टाइम पे. वन एक दिन का है कि आई थिंक इट वॉज सम काइंड ऑफ ऑफ डे एंड गुरु जी वॉज सिटिंग इन हिज बेडरूम. नहीं, ही वॉज लाइंग डाउन. एंड मी एंड माई मदर इन लॉ वॉज सिटिंग आउटसाइड. तो गुरु जी ने बुलाया हम दोनों को एंड फॉर द सेवा. तो गुरु जी जैसे बोलते थे मुक्की मारो, जोर दी मुक्की मारो, या जैसा भी वट एवर थिंग्स वर देयर. सो क्योंकि हम तीन ही एक रूम में थे एंड मी एंड माई मदर इन लॉ ऑलमोस्ट सेम ही हम दोनों, हमें समझ नहीं आती कि क्या बात करनी है क्या नहीं. और स्पेशली महापुरुषों से तो पता ही नहीं चलता कि, क्योंकि वो लेवल ही नहीं है. क्या लेवल तो हमारा हो ही नहीं सकता, बट फिर भी कुछ तो बात ढंग की तो कुछ तो बोल सकते हैं, बट कुछ समझ में नहीं आता था. एंड आउट ऑफ अ ब्लू मून जस्ट टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन माई मदर इन लॉ इज टेलिंग गुरु जी, गुरु जी एनो ना बैक च बड़ी पेन होती है. एंड आई एम लुकिंग एट माई मदर इन लॉ की मुझे तो नहीं होती है, मतलब होती है बट नॉर्मल होती है यार, इतना तो ठीक है, अभी 7 8 मंथ है, इतना तो होना भी बनता है. एंड व्हाई शी इज टेलिंग कि गुरु जी नो बैक एक होती है. एंड गुरु जी ऑल्सो ही इज लाइंग डाउन. मैं चरणों की साइड पे थी, मम्मी हाथों क्या कर रही थी. एंड ही स्टूड और खड़े हो गए एकदम से और मुझे इशारा किया कि तू भी खड़ी हो जा. ऑब्वियसली मैं खड़ी हो गई. एंड देन ही डिड माय अल्ट्रासाउंड, एक हाथ आगे स्टमक पे, एक हाथ पीछे बैक पे. एंड रोल 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 पूरा 360 डिग्रीज रिवॉल्व हुआ. थोड़ा सा ऑकवर्ड जरूर फील हो रहा था, नॉट इन अ बैड सेंस, बट थोड़ा सा ये लग रहा था कि ये इतने बड़े महापुरुष है, मेरी औकात नहीं है कि ही इज टचिंग माई, मेरा इतना गंदी बॉडी है, मैं इतनी मलिन हूँ. That kind of feelings were in my mind कि he should not touch me, but now now I feel so blessed कि wow. And believe me, वो क्या blessings थी. Still the way to come, experiencing experience तो कर ही रहे हैं, but वो क्या blessings थी, या क्या उन्होंने उस time पे treatment किया, I don't have any idea. There was no problem, but there was a treatment done, there was a blessings done, but still unknown, and I don't want to know also. I have full full faith, I have full this thing towards him कि मुझे पता है उन्होंने बहुत जो भी किया बहुत अच्छा किया. ऐसे ही छोटे छोटे से और इंसिडेंसेस आई वुड लाइक टू शेयर इज गुरुजी को नहीं जान पाए कि क्या है वो. और वी टुक हिम एज अ आई टुक हिम एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. महापुरुष हैं, बहुत अच्छे हैं, दैट्स इट. सो वन फाइन डे वी वर सिटिंग एम्पायर स्टेट में, रेड कार्पेट बिछा हुआ था एंड गुरुजी वाज लाइंग डाउन. जहां पर हम एम्पायर स्टेट में नीचे सीढ़ियों से उतरते हैं, बिल्कुल सीढ़ियों के साथ में ही ऑन द वे ही वाज लाइंग डाउन विद द पिलो. एंड ही सेड मेरे नाउ कट. तो मैंने जाके अंदर से जैसे भी करके नेल कटर लेके आई. एंड गुरुजी रिमूव्ड हिज सॉक्स और मेरे लैप के ऊपर ही एक पैर रखा एंड मैंने नेल कटिंग की उनकी. आई वॉज बी लिटिल जेंटल कि कहीं उनको जो, बिकॉज ऑब्वियसली वी नो ही वॉज वेरी सॉफ्ट स्किन के, बहुत सफल सा वो था.
डर भी लगता था, इवन जब सेवा भी करनी तो डर लगता था थोड़ा सा कि इतने हार्ड हाथ हैं, कहीं उनको बेचारों को वो ना हो जाए. आई वॉज डूइंग वेरी दिस थिंग एंड ही वॉज लुकिंग एट वेरी स्वीटली, बहुत अच्छे से प्यार से मेरी तरफ देख रहे थे. मैंने वो किया एंड देन ही गेव मी द सेकेंड पाओ एंड मैंने उसका भी किया. एंड देखो बुद्धि मेरी कितनी वो है. आई आस्क्ड माई मदर इन लॉ की इशारे से कि मतलब अब ये नेल्स मेरे हाथ में, कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट. सो माई मदर इन लॉ टेल, रुक जा रुक जा, मतलब देखते हैं हमने कैसे इसको डिस्पोज ऑफ करना है. अगर उस टाइम पे गुरुजी ने बुद्धि दी होती तो आज हम रखते वो, बट नहीं, उन्होंने नहीं दी वो बुद्धि, और वो उन्हीं का ही सब दिया हुआ है जो उसके बियॉन्ड उन्होंने दिया, दैट इज वर्थलेस. सो आई वेंट आउटसाइड, फिर वो मैंने जो गुरुजी के नेल्स थे, मम्मी ने बोला कि ये पेड़ के नीचे चढ़ा दे बेटा, पेड़ के नीचे चढ़ा दिए गए, दैट्स इट. फिर वन डे गुरुजी ऑफर्ड मी हिज कोकोनट वाटर ही टुक, और थोड़ा सा लास्ट में 2 या 3 सिप बचे थे, तो आई वॉज मैं जा रही थी वहां से कैसे, आई डोंट रिमेम्बर, अगेन एन ऑफ डे, सो ही ऑफर्ड, ही सेड ले फिर पी ले. सो आई ड्रैंक दैट प्रसाद, और अगेन नाउ रियलाइजिंग हाउ इम्पोर्टेंट एंड That was a divine prasad for me. Now coming to the divine prasad only, जैसे हम लोगों ने सचखंड का प्रसाद के बारे में सुना है, अगेन मैंने सुना था कि गुरुजी सचखंड से प्रसाद प्रोड्यूस करते हैं, बट आई नेवर एक्सपीरियंस दैट, एंड थैंकफुली आई हैड वन ओनली वन टाइम एक्सपीरियंस इन माई लाइफ. सो दैट वॉज द संगत वॉज फुल, द हॉल वॉज फुल, ऊपर का फ्लोर वॉज फुल, एंड देर वॉज सम काइंड ऑफ हलचल इन द हॉल एम्पायर स्टेट में, एंड लोगों ने थोड़ा सा हलचल सा होना शुरू हो गया, एंड समबडी टोल्ड कि गुरुजी प्रसाद प्रोड्यूस कर रहे हैं. दिखा कुछ नहीं मुझे, बिकॉज दे स्टार्टेड, आगे के लोग खड़ा होना शुरू हो गए, संगत जो थी, एंड आई जस्ट सॉ सम काइंड गुरुजी का आई थिंक राइट हैंड रोज अप इन द एयर, और थोड़ा सा ध्यान में कि मुट्ठी थोड़ी बड़ी होती जा रही, दैट्स इट, नथिंग एल्स. एंड द फुल मंदिर वॉज फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, इमेंस 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 फ्रेग्रेंस थी, बहुत फ्रेग्रेंस थी. एंड शी कॉल्ड, गुरुजी कॉल्ड अप वन आई थिंक लेडी को, इनको बुलाया था और बोला कि जाके सब वंड दे, प्रसाद वंड दे. एंड जैसे हम सब संगत का भी सुनते हैं कि सबको ये रहता है कि यार इतना सा, मतलब इट वॉज अ बिग जयपुरी लड्डू बूंदी का, बट ये था कि हम कैसे पहुंचेगा, ऊपर भी है और एक ही लड्डू प्रसाद है, बट वो एक एक कण हर एक के पास पहुंचा, चाहे वो कोई इंसान ऊपर बैठा है या वेर एवर. सो आई वॉज सिटिंग नीचे ही लास्ट साइड पे, एंड आई गॉट 2 to 3 बूंदी का प्रसाद, एंड वो ऑब्वियसली वही हुक्म होता है कि उसी टाइम पे खाना है, एंड आई एट दैट, एंड दैट वॉज द मोस्ट 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 वंडरफुल थिंग आई हैड एवर एवर हैड इन माई लाइफ. उसको मैं बयान नहीं कर सकती, दैट इज बियॉन्ड माई वर्ड्स टू एक्सप्रेस. वो क्या प्रसाद था, आई कुड फील दैट गोइंग थ्रू माई होल इसोफेगस से नीचे जा रहा है स्टमक में, एंड आई कुड फील द फ्रेग्रेंस कमिंग आउट इन माई ईच ब्रेथ फ्रॉम द नेक्स्ट 2 to 3 days. सच अ डिवाइन प्रसाद गुरु जी की. अगर हम सच में, ये तो मतलब आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इतनी सारी चीजें हैं which we knew at that time also, but we were not confident about ourselves only. Now since we are hearing to such sons, so now we can relate and tell confidently, हाँ जी हमने ये किया है, हमने वो किया है, गुरुजी ने हमें ऐसे ब्लेस किया, वैसे ब्लेस किया, but he is beyond our imagination. Beyond, beyond means beyond. Just need to love him like anything. बहुत सुनते हैं, बहुत बहुत सुनते हैं. दिस आई एम टेलिंग, आप जितना भी मुझे बोल लो, 20-22 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, ऑल्दो मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, बट आई एम टेलिंग माई एक्सपीरियंसेस. जैसे गुरुजी बोलते थे 1 to 1, बिलीव मी संगत जी, आई हैव सीन दैट 1 to 1 वाला थिंग. नहीं जरूरत होती मुझे किसी की, आई डोंट नीड एनी, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि हस्बैंड, पेरेंट्स, टच वुड, गुरुजी की इतनी कृपा है, बच्चे सब इतना अच्छा है, लेकिन वो जो ये महाराज सुनते हैं ना, वो कोई नहीं सुनता है. बस सिर्फ बोलना आना चाहिए, अपनी पात्र का अपना फांडा इतना साफ करना है जो कि धीरे 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 ही होगा. इट्स नॉट दैट आई एम गोइंग टू बी अ वेरी नाइस लेडी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स 10 PM 10 AM, ऐसा नहीं होगा. आई एम द सेम, मैंने आके जाके क्रीबिंग भी करनी है, सब करना है, बट वो जो गुरु जी की एक ब्लेसिंग साथ में चल रही है ना, दैट इज वंडरफुल. एंड आई ट्रूली बिलीव की बींग अ संगत,
वी शुड पोर्ट्रे आर सेल्स टू द अदर पीपल जो कि इक्वली ब्लेस्ड हैं, दे शुड से कि वाओ यार ये क्या है, कौन सी फोर्स है इनके पीछे, वो होगी हमारी गुरु की बड़ियाई. एंड दैट वी कैन अटेन विद सेल्फिशनेस, अपना सेल्फलेसनेस छोड़ दें, प्यार से बात करें, रिस्पेक्ट आर एल्डर्स. गुरु जी ऑलवेज यूज टू टेल मी सास ससुर की सेवा किया कर, बहुत बार बोलते थे, बहुत लोगों को बोलते थे हस्बैंड की सेवा करो, हस्बैंड वाइफ ही करे, वाइफ ही यूज टू थिंक, मतलब बोलते थे कि ये बहुत एक पायस रिलेशनशिप है, इट्स नॉट जस्ट जैसे हम इसको कंसिडर करते हैं. सो वी शुड ऑलवेज कंसिडर आर हस्बैंड्स, बहुत बहुत रिस्पेक्ट से विद ऑल लव हमें देना चाहिए, एंड इन वो भी हमें उतना ही रिटर्न करेंगे. सो हमें भी बहुत कुछ करना है गुरु महाराज के लिए, बहुत कुछ करना है, वो हम कुछ नहीं कर सकते, हम शायद सत्संग शेयरिंग से नहीं कर सकते. इट कैन बी अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, दैट्स ओनली व्हाट वी कैन डू इज ओके. सो देन कमिंग ऑन टू माय डॉटर वाज बोर्न इन 2004 23rd ऑफ फेब, एंड गुरु जी की बड़ी कृपा रही. एवरी टाइम जब भी आई यूज टू मथा टेको तो गुरु जी यूज टू से नॉर्मल डिलीवरी करानी है, नॉर्मल डिलीवरी करानी है. एंड आई यूज टू वंडर कि गुरुजी वो तो टाइम ही बताएगा कि नॉर्मल होने की सी सेक्शन होती है, हाउ कैन यू प्रिडिक्ट कि कैसे होना है, दिमाग में यही आता था. बट नेवर, कभी सोचा नहीं था कि दिस इज हिज वेज ऑफ ब्लेसिंग्स, कि नॉर्मल बोल रहे हैं तो नॉर्मल ही होनी है, ऑल्दो नॉट अ बिग डील, बट गुरु महाराज को पता है कि उसमें क्या ब्लेसिंग्स थी. आई हैड नॉर्मल डिलीवरी एट 8 AM इन द मॉर्निंग. एंड इसमें एक छोटा सा ये बताऊंगी कि जब हम, मैं, मम्मी और सजल, व्हेन वी वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर मैरिज मथा टेको गुरुजी, सो ही सेड माय मदर इन लॉ, जा आंटी मैं तेनों पोता ब्लेस किता. सो ऑब्वियसली हम एज अ न्यूली वेड कपल गए हैं, ऑल्दो माय ब्रदर इन लॉ वाज मैरिड 2 years बैक टू अस, लेकिन हमें दिमाग में तो यही था इट इज गोइंग टू बी अ पोता ओनली. एंड व्हेन इट 8 AM 23rd ऑफ फेब माय डॉटर वाज बॉर्न, तो ऑब्वियसली गुरुजी की टचवुड ब्लेसिंग्स इतनी रही कि कभी किसी के दिमाग में नहीं आया, बट एक दिमाग में ये था कि गुरुजी ने तो पोता बोला था, ये तो पोती आ गई. एंड वही डॉट्स जॉइन किए बैकवर्ड्स, एंड तब बताया गया, मैं बहुत पहले की बात है कि I'm mistaking something, I'm sorry, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि एस्ट्रोलॉजर ने कुछ एस्ट्रोलॉजी बताई थी. I'm sorry, I'll leave this because I'll be mistaken. मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि वो एस्ट्रोलॉजी में कुछ उसने बताया था. गुरु जी वही बोलते थे कि डोंट बिलीव इन, डोंट गो टू ऑल दिस पत्रीज एंड ऑल. एंड दिस वॉज वे बैक, बहुत पहले की बात है. सो एनी वेज माई डॉटर वॉज बॉर्न, 21 दिन की बच्ची, 21 days की, कभी गुरु जी ने इफ्स एंड बट्स नहीं आने दिए. उस टाइम पे भी, आज भी मंदिर में वी डोंट हैव एनी फोटोग्राफ, कोई भी भगवान का हमारे पास नहीं है. हमारे लिए सबसे बड़ा और सबसे पूर्ण परमात्मा यही रहे हमेशा. एंड वी नेवर थॉट ऑफ गोइंग टू एनी मंदिर, इट वॉज जस्ट गुरुजी एंटायर स्टेट. सो 21 days का बच्चा हम लेके गए, मी, माई इन लॉज, माई हस्बैंड, एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे कि गुरुजी जब पूरे अपने रोब्स के अंदर, व्हेन ही यूज्ड टू गेट रेडी, और अपने दरवाजे तक, खुला दरवाजा, वी ऑल स्टूड अप, एंड आई वाज होल्डिंग द लिटिल गर्ल 21 days ओल्ड. एंड जैसे ही गुरुजी आए और शी डिड दिस, छोटा सा बच्चा 21 दिन का, मैंने शायद इतना ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा गुरुजी आगे गए, एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड, ओह माय गॉड, सी छोटे बच्चा गुरुजी को नमन कर रहा है. So I was like, and तब तक उसके hands folded थे. So again we realized after many years कि देखो एक छोटा बच्चा, एक जो गुरुजी ने soul दी थी, उसने पहचान लिया कि वो किसको प्रणाम कर रही है. पर्ल की जर्नी started. गुरुजी एक बार पापा ने पूछा कि गुरुजी नाक ही रखना है, जैसे माई मदर कॉल्ड मी अप एंड फ्रॉम जम्मू शी कॉल्ड मी अप एंड शी सेड कि क्या नाम रखना है अपने बेटी का. तो हमने तो कुछ भी नहीं प्लान किया था, कुछ नहीं सोचा था, ना ही ये सोचा था कि गुरुजी रखेंगे, मतलब कुछ दिमाग पे, इट वाज टोटली ब्लैंक. एंड जैसे मम्मी, माय मदर कॉल्ड मी अप एंड शी सेड कि बेटा नाम क्या रखना है आपने, तो आई सेड मम्मी गुरुजी रखेंगे. सो शी टोल्ड मी कि थोड़े गुरुजी तो जलंधरों हैं, तो उन्होंने कोई पंजाबी ना रख देना, तो तेरी कुड़ी का कोई परमिंदर कौर, शिवमिंदर कौर, तू ना रख ला पहले. आई सेड नहीं नहीं मम्मी गुरुजी रखेंगे. सो माई फादर इन लॉ वेंट और उन्होंने पूछा कि गुरुजी बेटी का ना, गुरुजी ने आगे से कुछ नहीं बोला, बिकॉज नाउ वी नो कि उनको वो टाइम
होता है कोई पर्टिकुलर, एंड गुरु जी एम्फेसाइज्ड ऑन द नेम ऑफ अ पर्सन वेरी मच. यूज टू से, जैसे हमने कितने सत्संग सुने हैं गुरु जी ने नाम चेंज किए संगत के, बहुत नाम को गुरु जी बहुत एक इंपॉर्टेंस देते थे. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो वन फाइन डे गुरु जी कॉल्ड माई फादर इन लॉ, वो अचानक से ही बुलाया और बहुत बहुत प्यार से बोला, गुरु जी डॉक्टर साहब असी अपनी बेटी का नाम पर्ल रखांगे. सो पापा ने ऐसे किया, एंड यू नो व्हाट ही एक्सप्लेन्ड गुरु जी टू माई फादर इन लॉ वॉज कि इसमें PEARL में यू हैव ऑल द एल्फाबेट्स ऑफ ऑल योर फैमिली मेंबर्स, जबकि ऐसा नहीं है, वी डोंट हैव एनीबडी इन ई, वी डोंट हैव एनीबडी विद एल. दैट मींस गुरु जी ने कहां से क्या कनेक्शन जोड़ा, ही इज जानी जान, ही ओनली नोज. सो दैट इज हाउ पर्ल्स जर्नी स्टार्टेड. फिर वो थोड़ी सी क्रॉलिंग स्टेट में आई. नहीं, अच्छा, उससे पहले वी वर इन आर आर हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में, यूज टू स्टे देयर ओनली, एंड गुरु जी यूज टू विजिट दैट स्पेस. इट वॉज अ टेम्पररी अकोमोडेशन, पापा को अभी तक परमानेंट अकोमोडेशन नहीं मिला था वहां पर. सो इट वॉज अ छोटा सा फ्लैट, ग्राउंड फ्लोर था, 2 बेडरूम का. सो एक में पापा मम्मी रहते थे और एक में हम रहते थे, एंड गुरु जी यूज टू विजिट. अभी मुझे ध्यान में नहीं है कि जब फर्स्ट डे आना था तो वेदर ही कॉल्ड, बिकॉज कई बार तो लैंडलाइन पे कॉल आ जाता था और कई बार नहीं आता, तो ही एब्रप्टली ही केम. और नहीं बताया था. हाँ, मम्मी टोल्ड मी बेटा गुरु जी आ रहे हैं, एंड वाज दैट टाइम 4 मंथ्स ओल्ड ओनली. सो आई सेड ठीक है, तुम मतलब क्या क्या करना है, हम मुझे तो पता भी नहीं है, आज अगर मुझे बोला जाए तो मैं तो पागल हो जाऊं, ओ भाई ये करना है वो करना है. एंड उस टाइम पे तो कुछ नहीं, मम्मी क्या करना है, कुछ नहीं बेटा, आएंगे चाय प्रसाद देंगे और देखते हैं फिर गुरु जी कितनी देर रुकते हैं, हम लंगर प्रसाद बना लेते हैं फटाफट. हाँ जी मम्मी क्या बनाना है, आलू बड़ी ये वो जो भी वॉट एवर सब हो रहा है. एंड गुरु जी आए, नो संगत वॉज देयर. एंड बाद में मतलब ही यूज्ड टू कंटिन्यू, बहुत बहुत दिनों के लिए आए थे वो वहां पर, नॉट डेली बेसिस पे नहीं था, बट हाँ फिर भी आई कुड रिकॉल बहुत दिनों तक था, मुझे नहीं ध्यान में है 12-15 दिन, मुझे नहीं ध्यान में है. तो ऑलमोस्ट डेली ही यूज टू कम इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, अगर तो वो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, क्योंकि तब तक डेज फिक्स हो चुके थे सत्संग के एम्पायर स्टेट में, तो ही यूज टू गो बैक बाई संगत का टाइम कि चलो संगत लगानी है उस टाइम पे, और तब तक वो वहीं पर रहते थे. ही यूज टू लाई डाउन ऑन मम्मी पापा बेड पे, लेट जाते थे, कभी कोई संगत साथ में होती थी तो सेवा चल रही है, कभी कुछ. सो उसी में एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि बहुत एक मतलब एक बहुत ब्यूटीफुल सा ऑरा, बहुत अच्छा सा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता था कि गुरुजी एंटर हो रहे हैं, एंड बिकॉज वो पूरा कैंट एरिया है, बहुत फॉरेस्ट कवर्ड है, तो पिकॉक्स बोल रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा सा एक मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि वो कैसा सा एक वो ऑरा था. एंड फिर गुरुजी आके बैठ जाते, तो एक दिन ऐसे ही अच्छा हाँ, फिर उसके बाद लंगर प्रसाद वॉज वेरी सिंपल, जैसे हम सबको पता है, एंड वी एटलीस्ट वी ट्राई एट आर होम कि जब हम गुरुजी को लंगर प्रसाद करते हैं तो मतलब इट हैज टू बी वेरी सिंपल. एंड बस उस टाइम पे गुरुजी ने हमें सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि मेरे को स्टील की थाली में दिया करो, दैट वाज द ओनली थिंग. अभी अगेन आई एम नॉट एम्फेसाइजिंग कुछ भी कि वो स्टील ही ऐसा कुछ करना, दैट वाज आर वे ऑफ मतलब हमें जो बताया गया था कि मुझे स्टील में दिया करो. सो वी वेंट टू मार्केट, वी बॉट अ थाली, और ज्यादा नहीं बस एक आई थिंक सब्जी बनाते थे या 2 सब्जी और एक रोटी प्रसाद, और वो भी छोटे छोटे से फुलके, और बस वही और कुछ नहीं, वेरी सिंपल थिंग. जैसे गुरुजी बोलते थे कि तुहानू की लगता है मैं आपका दिया हो खाता हूँ, मेरा तो ऊपरों आंदा है आंटी, सचखंडो प्रसाद आंदा है, वो तो हमें हमारी ब्लेसिंग्स के लिए होता है सब कुछ. सो एक दिन ऐसे ही गुरुजी को हमने मैंने चाय प्रसाद दिया, एंड पर्ल स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट. तब तक चाय प्रसाद खत्म हो चुका था, अराउंड वही 3:30-4 बजे की बात होगी, इवनिंग का टाइम था वो. तो माई मदर इन लॉ कॉल्ड मी कि बेटा यहाँ से गुरुजी के बर्तन उठा ले. तो एक आंटी हैं आजकल आंटी वर्मा आंटी, उन्होंने सत्संग करना शुरू किया, तो आई डोंट नो वेदर शी ऑल्सो नोज कि शी वॉज सिटिंग देयर, वो गुरुजी के चरण सेवा कर रही थी उस टाइम पे. एंड आई ओपन द डोर, मैंने वो उठाया, एंड क्योंकि पर्ल वॉज क्राइंग अ लॉट एंड वी नेवर वी हैड अ डॉग ऑल्सो, सो वी वर वेरी पर्टिक्युलर कि महाराज आए हैं सो ही शुड नॉट गेट डिस्टर्ब. सो
कहीं पर भी शोर नहीं होना चाहिए. सो मुझे लगा कि पर्ल, बिकॉज गुरुजी बहुत टाइम पे पाठ पे चले जाते थे, कभी कुछ कभी कुछ, तो वी हैड टू बी वेरी अलर्ट एट दैट टाइम. इतना गुरु की सेवा इज नॉट दैट इजी. आज हम बोलते तो हैं बट इट्स नॉट दैट इजी टू डू. गुरु जी भी पूरा फिर टेस्ट लेते हैं, सब लेते हैं. सो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता था, कहीं शोर नहीं हो रहा, कहीं डॉग बार्क नहीं कर रहा, कुछ नहीं. तो पर्ल स्टार्टेड क्राइंग, तो मैंने उसको उठाया और मैं गई गुरु जी के, मैंने वहां पे बर्तन साइड पे चाय प्रसाद वाले पड़े थे, मैंने आई पिक्ड अप, लंगर प्रसाद के भी सॉरी, मैंने उठाए वो एंड आई ओपन, वो डोर खुला ही रह गया और साथ में एक छोटा सा पैसेज था एक, एंड उसके आगे एक डाइनिंग टेबल रखा हुआ था. तो आई थॉट कि चलो मैं अभी डाइनिंग टेबल पे ही रख देती हूँ एंड मैं इसको पहले थोड़ा काम कर देती हूँ, उसके बाद आई सी कि कैसे बर्तन आई की पिट अंदर किचन में बाद में. जैसे ही मैं रखने लगी बर्तन तो वो छोटा सा बच्चा मेरे हाथ से गिर गया, स्लिप्ड आउट ऑफ माई हैंड एंड टॉपल करके पूरा डाइनिंग टेबल पे, पहले उसका हेड ऑन कोलिशन हुआ एंड देन शी फेल डाउन नीचे जमीन पे एंड आई वॉज टोटली स्टिल, क्योंकि वो शी डिडंट क्राई, मेरी तो हिम्मत नहीं. दिस ऑल वेंट इन मोमेंट ऑफ सेकेंड्स, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई उठाने की. एंड द ओनली थिंग आई कुड स्क्रीम वॉज मम्मी, माई मदर इन लॉ. तो जैसे ही मैंने स्क्रीन किया एंड सिंस द डोर वाज ओपन, तो गुरुजी भी ऐसे करके देख रहे हैं साइड से. और आंटी वर्मा, आंटी शी केम, शी पिक अप द चाइल्ड और उन्होंने जाके ठाक करके गुरुजी के चरणों में रख दिया. एंड गुरुजी कहने बहुत स्माइलिंग वे में, छोटी छोटी सी चीजें गुरुजी कितनी स्वीटली याद आती है ना, तो आई रियली फील ब्लेस्ड कि काश वो टाइम वापस आ जाए. सो गुरुजी कहने लक्ष्मी चक अपनी कुड़ी, आज दे बाद कदे नहीं रोएगी. सो दिस वाज हिज वे ऑफ ब्लेसिंग पर्ल. एंड ऐसा नहीं कि वो नहीं रोई, मतलब आई डोंट नो, बट अगेन महाराज जानी जाना उनका क्या बोलने का वो है, ही ओनली नोज दैट. सो फिर उसके बाद देन शी स्टार्टेड क्रॉलिंग. तो एक बार पापा के साथ, माय फादर इन लॉ वाज देयर एंड पापा उसको बोल रहे, जैसे दादूज ग्रैंडफादर्स होते हैं कि बेटा मथा टेको गुरु जी को, एंड पापा उसको बोल रहे हैं. आई वॉज कहीं बैक पीछे थी बिकॉज लाइन थी वहां पर क्यू थी बैर स्टेट में. सो पापा उसको बोल रहे हैं मथा टेक एंड शी, आई डिडंट सी ऑल दिस, ये तो पापा ने मुझे बाद में बताया. एंड ही सेड कि मथा टेको एंड शी इज नॉट टेकिंग द मथा. और उसके बाद व्हेन वी सैट जब कार में वापस आ रहे थे तो देन पापा टोल्ड कि ये देखो, देन ही नरेटेड द होल थिंग कि यू नो व्हाट शी वाज टेलिंग. और इसने तोतला तोतला बोलना शुरू किया था अभी, शी स्टार्टेड टेलिंग मम्मा गुजी गले स्नेक, गुजी गले स्नेक. सो शी मतलब देखो गुरुजी ने उसको दर्शन दिए होंगे एक छोटे से बच्चे को, हमने बहुत सत्संग सुने हैं जैसे गुरुजी कितने लोगों को, बच्चों स्पेशली जो छोटी सोल्स हैं उनको कितने दर्शन देते हैं, ऑल्दो दे कांट एक्सप्रेस एट दैट मोमेंट. सो दैट इज हाउ. और एक छोटा सा यही बताऊंगी कि अगेन फिर उसके बाद चलो क्लिनिक मेरा ब्लेस हुआ गुरुजी ने, मतलब आज तक ही इज द गाइडिंग फोर्स. ऑल्दो आई नेवर, मी एंड माई हस्बैंड अजबुल, हम कभी नहीं गुरुजी से पूछते कि गुरुजी क्या करना है, चिट्स डाल, वी डोंट डू एनीथिंग. हम बोलते कि गुरुजी जहां जैसे लेके जाएंगे बहुत अच्छा, चाहे वो हॉस्पिटल में क्यों ना हो, कुछ भी हो, बट ही इज द बेस्ट, ही नोज कि हमें क्या करना है क्या नहीं. उस टाइम पे भी फिजिकल फॉर्म में भी यूज टू छोटी छोटी चीजों के लिए गाइडिंग फोर्स हमें, कि कार लेनी है तो केड़ी कार लेनी है, पहले बोल दिया स्विफ्ट लेनी है, फिर कहते लाल रंग भी लेनी है, एंड में महासमाधि से कुछ टाइम पहले ही टोल की नहीं चिटे रंग भी लेनी है, वेदर द माई फादर इन लॉ के लिए वेदर द कार हैज टू पेट्रोल और डीजल. सो दीज वर वेरी स्पेसिफिक थिंग्स ही यूज्ड टू टेल टू एवरीबॉडी. आज हम उसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में करके, आई डोंट नो व्हाट वी ऑल आर ट्राइंग टू डू इज, कि एक संगत दूसरे को बोल रही नहीं जी गुरु जी इसके लिए मना करते थे, व्रत के लिए मना करते थे, फलाना ढिमकान, वॉट एवर, आई डोंट नो. दैट इज द थिंग आई एम रियली एम्फेसाइजिंग, इट हैज टू बी वन टू वन, डोंट जनरलाइज द थिंग. हाँ कुछ वचन हैं जो इनके जनरलाइज हैं गुरु जी के, विच वॉज फॉर होल ऑफ द संगत, दैट वी नीड टू फॉलो, बट नॉट दीज छोटी छोटी सी चीजें. नीले रंग पे जैसे हमारा भी एक वो था कि गुरुजी ने किसी को बोला था एंड माई फादर इन लॉ ओवरहर्ड कि नीला रंग चंगा नहीं होता, पता नहीं क्या, एंड वी थ्री ऑल द थिंग्स नीले रंग की, सारे कपड़े फेंक दिए, बाल्टियां मग्गे सब कुछ फेंक दिया नीले रंग का. देन और जिनको दिया था स्पेसिफिकेशन उन्होंने ये बताया था कि गुरुजी हमारे बाथरूम में नीले रंग की टाइल्स लग रही है, तो गुरुजी ने उनको इन रिवर्ट बैक ये बोला नीला रंग नहीं लाना है.
मतलब दिस वॉज नॉट फॉर अस, काला रंग बोलते हैं, आई डोंट नो, बहुत सारी चीजें ऐसी सारी हैं. सो वी शुड नॉट, जो गुरुजी ने स्पेसिफिकली, जैसे हमने जोशी आंटी का भी सत्संग सुना है, उनको बोला व्रत नहीं रखने, लेकिन एट द सेम टाइम करवा चौथ वॉज सपोज टू बी केप्ट फॉर हर, तो दैट वॉज दैट पर्टिकुलर ड्रेसिंग फॉर मेंट फॉर हर, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर यू. दिस हैज टू बी वेरी क्लियर इन माइंड. और आज हम जो गुरुजी को बहुत नैरो माइंडेडनेस के साथ लेके चल रहे हैं ना, दैट वी समहाउ नीड टू क्लियर ऑल दिस. जितने हमारे दिग्गज पुरानी संगत जो बहुत अच्छे पर्ल्स हैं गुरु जी के, एक्चुअली जो है, इफ वी सिट एंड लिसन टू दो सत्संग, देन वी सी द वाइडर पिक्चर. ये जो मैं नरेट कर रही हूँ, दिस आर वेरी टाइनी माइन्यूट ब्लेसिंग्स जो मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं, बट वी हैव टू सी द पिक्चर, बिगर बिगर पिक्चर, कि गुरु जी वॉट ही वॉन्ट्स फ्रॉम अस. इट्स नॉट दैट कि हम इन चीजों में पड़े रहे. अगेन रिगार्डिंग द सत्संग एंड ऑल, वी आर डूइंग इट ऑल विद पॉम्प एंड शो, इतना लंगर प्रसादी सब हम लोग बोलते हैं, आई डोंट नो, बट दैट्स वेरी ट्रू. इट हैज टू बी विद सिंप्लिसिटी. गुरु जी हमारे बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपल हैं. सो ही एक्सपेक्ट्स दैट सिंप्लिसिटी फ्रॉम अस ऑल्सो. तो और तो बहुत बहुत सत्संग है, बट आई थिंक सब बोर हो जाएंगे. आई थिंक गुरु जी बस मुझे यहीं पर इजाजत दें. एंड अगेन अ वेरी 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 थैंकफुल टू एवरीबडी हु इज लिसनिंग. एंड गुरु जी का तो बहुत बहुत ही शुक्राना है फॉर ईच एंड एवरीथिंग ही इज ब्लेसिंग अस. एंड मे ही ब्लेस अस इमेंसली, सबको इतना ब्लेस करें कि हम लोग प्राउडली बोल सकते हैं ये है हमारे गुरु जी. सो थैंक यू सो